लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चली रे चली नखरेदार चली ये अलबेली मस्तानी कोई नार चली ये अलबेली मस्तानी कोई नार चली फूलों की डोली में बहार चली पर्दे के पीछे रे नखरेदार चली चली रे चली कोरा कोरा काच सा अंग है जोश जवानी का अंगिया तंग है मदमाते मदमाते मस्त मदन की तलवार चली फूलों की डोली में बहार चली पर्दे के पीछे रे नखरेदार चली चली रे चली हौले हौले तुझको उठा लूं दिल की सजरिया पे तुझको सुला लूं हौले हौले तुझको उठा लूं दिल की सजरिया पे तुझको सुला लूं हाय गुलफाम गुलफाम ये कैसा हम पे जादू डार चली फूलों की डोली में बहार चली चली रे चली नखरेदार चली गांव के लोग हैं गाड़ी पे पर्दा वर्दा बहुत झालरदार डाले हैं रही जान पड़ता है पर वो छेला कौन है लंबी लंबी जुल्फन वाला अरे पप्पा रे पप्पा चौपाल तो कहा यहाँ कोई तिरपालू दिखाई नहीं देते अजी सरकार तनिक तुम ही इनसे पूछो चौपाल कहाँ है राम राम पंचो राम राम जी की चौपाल कहाँ है चौपाल चौपाल ये कहा है पर तुम लोग कौन हो हम लोग नाच नौटंकी वाले यहाँ डेरा करने का विचार है चार छह दिन नाच नौटंकी दिखाएंगे कजरी कहरवा सुनाएंगे और बाद में अपना रास्ता लेंगे ये बात है हाँ? तब तो तुम रास्ता भुला ही गए हो हमरे गांव में नाच नौटंकी पे पाबंदी है अरे पप्पा रे पप्पा अरे चंद्रकला सुनो तो का कहत है ये लोग अरे इनको समझाए देओ तोहरे गांव का नाम अखबार में पढ़ के आए हैं सो तो है सारे जिले में हमारे गाँव अव्वल नंबर है और हमें इनाम मिलने वाला है चांदी की ढाल यह बात अखबार में छप गई और ये लोग पढ़ के आए गए तुम तो ठीक है हमरे गांव में नाच नौटंकी नहीं हो सका क्यों नहीं हो सकती हमरे गांव का नियम अरे का किया है हमारे नाच नौटंकी ने बहिनी तू यहाँ रुको हम आप पे देख के आवत है उई देखो छोटे मुखिया आई गए जय राम जी की जय राम जी की जय राम क्यों रे राम राम
क्या बखेड़ा है? ये लोग नाच नटंकी करे के चाहते है हमारे गाँव में। राम राम छोटे मुखिया जी। राम राम। हम नाच नौटंकी वाले। वो तो ठीक है, पर गुरुजी के आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर आप तो खुद मुखिया जी हो, आपके होते। वो हमारे बप्पा है ना, वो जरा भगत आदमी है, गुरुजी से पूछे बिना कोई काम नहीं करते। चलो आओ, तो गुरुजी पाठशाला में होंगे। जय बजरंग। कौन है रे? देखो तो सुल्फे की लाट, आज जनो सूरज ने डूबी। अरे कहाँ है साला वो तुम्हारा पाठशाला? ये क्या है सामने? जय राम जी की, जय राम जी की। आप कौन है भला? हम स्कूल इंस्पेक्टर, स्कूल का मुआयना करने आए हैं। अस्मत तो और जय राम जी की, और जय राम। ब्रह्मचर्य यही जीवन है। अब रोज की प्रार्थना। शिक्षा देने से जो घटे उसे ज्ञान नहीं कहना। शिक्षा देने से जो घटे उसे ज्ञान नहीं कहना। सबको बता कर दे जो उसे दान नहीं कहना। सबको बता कर दे जो उसे दान नहीं कहना। पाप नजर से देखे उसे नेत्र नहीं कहना। पाप नजर से देखे उसे नेत्र नहीं कहना। मात पिता को भूले उसे पुत्र नहीं कहना। मात पिता को भूले उसे पुत्र नहीं कहना। पानी में डुबो देती जो उसे नाव नहीं कहना। पानी में डुबो देती जो उसे नाव नहीं कहना। आदर्श को जो ठुकराए उसे गांव नहीं कहना। आदर्श को जो ठुकराए उसे गांव नहीं कहना। जो दिल पे असर नहीं करे उसे गाना नहीं कहना। जो दिल पे असर नहीं करे उसे गाना नहीं कहना। नौटंकी न सुनी जिसने उसे स्याना नहीं कहना। उसे स्याना नहीं कहना। कौन? राम राम गुरुजी। आप ही गांव में नाच नौटंकी बंद किए हैं? हाँ बंद की है। काहे? कौन तुम्हारे भैंस मार दिए हैं हमारे नौटंकी? ठहरो, मैंने नाच नौटंकी इसलिए बंद की है कि तुम नौटंकी वाले श्रृंगार रस की आड़ लेकर घटिया और बेहुदा गाने गाते जो आदमी को बंदर बना देते हैं। हमें इंसान बन के जीना है। और हमें जानवर बने की? हम इंसान नहीं का तो हम कलाकार कैसे जिए? पेट में पत्थर बांध के क्यों? आप क्या करत हैं? हम यूं अपना खेती खेती। और आप? अरे देवर जी। हाँ हाँ ये हम कुम्हार है। तो गुरु जी जैसे इनका धंधा वैसे हमारा। जब इनके धंधा पे पाबंदी नहीं तो
हमारे धंधा पे का है? ऐसे तो कल को चोर भी कहेगा कि चोरी हमारा धंधा है। मतबल, हम कलाकारन की गिनती आप चोरन में करत हैं? वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक आदर्श गांव है, यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, हम यहाँ नाच नौटंकी नहीं होने देंगे। अस, अब समझो हम कर्री तो तो है अपन डेरा डमस्त्र पे उठाए के भागे का परी। गुरु जी ने एक बार कह दिया ना ही तो ना जाती बात मत करो, बढ़ाओ अपनी सवारी यहाँ से। अरे पापा, अरे पापा, ये तो सर मुंडा ते ही ओले पड़े। अरे चंद्रकला चली यहाँ से। क्यों रे जगदेव, तू यहाँ का करत है? इन लोगों को रास्ता दिखाने चला है। इन लोगों को? हाँ पापा। अरे उल्टा रास्ता दिखाई दिया, गाँव से बाहर जाएगा बजाय अंदर आएगा। इसका बस चले तो सारे गाँव को नौटंकी बना दे। जा जा बड़ा आया कहीं का, चल जा। खड़े टुकुर टुकुर का देखा था, कह दिया ना गुरुजी ने यहाँ नाच नौटी की नहीं हो सकता है, जाओ अपन रास्ता नापो। अच्छा अच्छा जाई थे, पर ये ना भूलो गुरुजी, चंद्रकला कहते हमें चंद्रकला। हाँ जानता है जानता है, चुप्पे चाप चली जाओ यहाँ से। जय राम जी की गुरुजी। हम घर जाए। राम राम मुखिया जी। वो कलुआ लोहार की घर वाले आए ना, वो कवनो जतन बच्चा ना ही जन चुका था, काल से बेहाल है, अस चिल्लाता है कि पूछो नहीं। चले तने उसे देखे आवे। अच्छा आप चलिए, मैं आता हूँ कुछ दवा चूरन लेके। हाँ देखे देर ना हो। नहीं जगह। अरे पप्पा, अरे पप्पा, तो आपन नौटंकी कहाँ हुई थी? चमार चौदह तेरी बला से। अरे बला तो ये सारी कला है। अरे चंद्रकला, इस जंगल में मोर नाचेगा तो देखेगा कौन? गाँव माँ का कम दिन दो रह पिता है हमरे आने से, जिसको आना होएगा वो आए बिने थोड़े ही रहेगा। पर यहाँ आते आते तो टांगे टूट जाएंगे उनकी। टांगे उनकी है तो हार तो नहीं, तो है काहे की चिंता, तेरा यही लगेगा। अरे बाकी चंद्रकला बहनी मोहे देखे का है, वो गुरु जी का आदर्श का है, उसकी छाती पे नाच नौटंकी न करी तो कहियो। अरे देखत का हो, गाड देव तंबू। जान पड़ा था अब जल्दी छुटकारा हो जाए। हमरे गुरुजी आ गए है ना, हम गरीबन का सहारा दे बदे, और वो कलवा है ना, वो बिचारी का मरद, उसे तनिक चिंता नहीं, वो करे मेहरारू जिए चाहे मर। कहाँ जाए बैठ रहा? कहाँ जाने कहाँ मालवा, आइए तो तू ही ओका डांटे हो। हाँ मौसी। कहे भाभी लड़का भवा खूब गोल मटोल हो, मैं देखी लोई जैसा, तब इन तो अटक गवा, बिचारी हलकान हो गई। गुरुजी आपे का हाथ का जसो, नहीं तो जाने का हो जात। गुरुजी सच पूछो, आपको तो डॉक्टर होए करा? कहाँ का डॉक्टर मुखिया जी, ये वैद की तो हमारे खानदान ही में थी, वही आगे चला रहा हूँ। सुंदरिया सुंदरिया है सुंदरी सुंदरिया, ए का गिरा सुंदरिया, घोड़ा बेच के सोवत है का? उठ ससुरी, हमें अभी रोटी खाए का है। सुन रही सुंदरिया, उसकी तो माँ की आंख कमर तोड़ दे हूं, उड़ते घुसा बैठते लात, उड़ते घुसा बैठते लाए। तेरे मालिक आप पहचान नहीं पाए, सच्चाई सच बताई, आज हम तनी के गोबर खाए हैं, बस बिल्कुल तनी के, माफी। आज तुम अपने गांव में शराब पी के आए? और कहां से गोबर खा के आया है? मुखिया जी, हमने इस गांव में सबका पीना छुड़वा दिया था, सौगंध लेकर बाहर से शराब आना बंद,
यहाँ की सारी भट्टियां तुड़वा दीजिए अपनी जान खतरे में डालकर। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि शराब अब भी इस गांव में मिलती है। सच कहां से पीते आए? अबे बोल। अरे हमें काहे मार दहू, वो राम दिन है ना साइकिल वाला, वही से पूछो। साइकिल वाला? हाँ हाँ साइकिल वाला। अरे वही की दुकान में जाए के देखो, काका मिलत है काका नहीं। सच कहता है? हाँ, और नहीं तो का शराब पी है, झूठ ना बोलवे। अभी देखते हैं जाके। चलिए मुखिया जी, चलिए। रामदीन तख्ते हटाओ, तख्ते हटाओ रामदीन। क्या धंधा चला रखा है, किस लिए पीते हो ये जहर? जरा इस्ता बोलो गुरुजी, हमारे सुन ले। क्यों रे रामदीन, कहां से आया ये सर? बोल कहां से? भूल बह गई, अब कबू ना लाइबे। मुखिया जी ये तरह आप यही ठहरिए। अच्छा गुरुजी छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होएगा। शराब पीते हो और चोरों की तरह भाग जाते हो, चलो अपने बाप के सामने। देखो जी बप्पा के सामने नंगा किया तो उम्र भर की दुश्मनी हो जाएगी, बदला ले के रहूंगा। ये धमकी किसी और को देना, इस गांव के लिए मैंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया है, तुम जैसों से डरने के लिए नहीं। चल ऐसी बात तो मैं भी देख लूंगा। गुरु जी दहकते अंगारे को छूना आसान है, पकड़ के हाथ में रखना मुश्किल, जल जाओगे। आराम और गुरुजी पे हाथ उठा दे, शराब पी के हमारा नाक कटाई दियो। जा मुंह काला कर यहां से, जा बदमाश कहेगा। क्यों रे आज हमारा खेल देखने कोई आया है कि नहीं? अरे स्टेज की पूजा तो कर लो। पूजा तो कब की हुई गई सरकार, वो देखो फूल बता से और वो देखो खाली कनात, एक आदमी नहीं। अब खेल कैसे होएगा? कैसे होएगा? सो तो ठीक है पर चंद्रकला ठान के बैठी है कि आज खेल होके रहेगा। जयराम जी की गुरुजी। जयराम जी की, जयराम जी की। आ गए सब लोग? अच्छा बैठो। अपन अपन तख्ती निकाल दे। जाफर चाचा तुम पढ़ो तो क्या लिखा है। हम फरफर पढ़े दे थे गुरुजी, ये भरता वाला भा है ना? अरे ओ जाफर चाचा, ये भरता वाला भ नहीं, नहीं भड़भूजे वाला भोय। अरे भरता वाला भ क्या और भड़भूजे वाला भ क्या, दोनों एक ही हैं। तारा मौसी अब तुम पढ़ो। भोप मात्रा लगी तो ये तारा मौसी तू भात पकाओ तो ना, ई अक्षर ओहिमा है ओहिमा। हाँ, भात वाला भा ससुरा जल्दी जबान पर चढ़ते नहीं। अरे हाँ इतनी देर माँ तो भात पक जा। हाँ। अच्छा 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 अब मैं दो वाक्य लिखूंगा, सबको पढ़ने होंगे बारी बारी। अरे क्या हो रहा है? गणपत उधर मुंह फेर के क्या देख रहे हो तुम? ये तो तारे गिने थे गुरुजी। अब जरा इधर ध्यान दो। ये कबूतर, कबूतर ही बड़ी मस्त है जगा जग। अब क्या करे गुरुजी? क्या है? पेट में गड़ 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 होत है, घरे जाई? जा। आज भैरव काका दिखाई नहीं देते, क्या बात है? कच्चू नहीं, कच्चू नहीं, भैरव काका नौटंकी देखे गए हैं सर। यहाँ तो आंख से सुझाई नहीं दे, वहां पतुरिया का मकोड़ा कैसे देखें? अरे क्या खुसर पुसर हो रही है, मालूम होता है आज तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं। अच्छा तो आज यहीं तक, कल ठीक समय पर आना। Hey, Gajanan, Anand Guru, Hey, Gajanan, Anand Guru.
बैठिए, पधारिए पधारिए, आइए बैठिए, राम 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 राम, बैठिए। अरे गुलाबिया, ए गुलाबिया। जी सरकार। अरे जरा गुलाबिया, अरे गणेश जी की स्तुति तो हो गई, ये सब लोग आ गए हैं। अबे वो चंद्रकला कहाँ है? चंद्रकला, अरे ओ चंद्रकला, चंद्रकला चल। और ये ढोलक लगाने वालों, तब तक जरा तू ही अपन कर्तव्य दिखाओ। अरे नहीं भाई, ये हमारा खुटियों का खेत तो ऐसा रहता है।
चिकने हजामत का शौकीन तो ये है तुम्हारे सामने है। पलहट ये नहीं ये। अरे जियो राजा जियो, क्या बात कही है, लाखों में एक। अरे गाल चिकना ना हुई तो माल कौन दे। क्यों खरीफा सच है ना? चिकने ही में तो मजा है। अरे तो फिर देखता क्या है, लूट ले मजा है। अरे देखिए देखिए। अरे बाप रे क्या हुआ, कुछ बिछाई दई? नहीं ऐसे ही कर दे। ऐसे ही? ऐसे ही तो चलो ऐसे ही। भाई जी है कहा, दिखाई नहीं देती। क्यों जी? ऐसे ही ऐसे ही ना। बस बस बहुत हुई गा साबुन। अरे बाप रे बापा अब क्या हुआ? अरे अस्तूरा है कि खुरपा, जरा संभाल के नहीं तो खून निकल आई। नहीं नहीं मुखिया जी और गुरु जी इधर आए रहे हैं। अरे ये कहाँ करत है, आधी धाड़ी छोड़ के कहाँ जात है? अरे यही बैठा रहा तो उल्टे मेरी हजामत हो जाएगी सूखी। और हमरी? अरे ससुर हमें बीच माल अटका के काहे छोड़े जात हो? अरे ये जो पलटन आ रही है ये पलट जाए तो तेरा ही निपटारा कर दूंगा। नहीं छोड़ छोड़ नहीं। अरे छोड़ तेरी तो। हेलो कार्ड फेंको तुम। बहनी अरे ओ बहनी तेरे इधर आवा, देखो देखो ये लोग क्या करते हैं। क्या करते हैं? क्यों जी यहाँ क्या करने आए हो? गांव से तो निकाल दिया, अब यहाँ आए के भी हमारे पीछे पड़ गए हो? हम तुम्हें यहाँ डेरा नहीं डालने देंगे। अरे वाह रे वाह, बस्ती बाहर चिल्लाई की किसी कोतवाल की मंजूरी की जरूरत नहीं। जगह बस्ती के बाहर हो तो क्या, इस पर भी हमारे गांव का मालिकाना। हाँ हाँ जानी थे। अरे ये आदमी है क्या जानवर? यही आपका आदर्श है गुरु जी? अस वर्ताओं का आपको सोवा दे थे? आप कहा करने आए यहाँ? मैं ये कहने आया हूँ कि उठाओ अपना डेरा, हम तुम्हें यहाँ नहीं टिकने देंगे। का हम आपके घर आए हैं मेहमान बनी के? ज्यादा बातें ना बना, तुम लोग यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा। आओ ना जाए तो? मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। आज तो हम यहाँ से न जाब, देखी थे का करते हैं आप। अरे जबान संभाल, किससे बात करते हैं तो जानत है? औरत की हवा तक नहीं लगी इनके शरीर को और तू नाच चराए के बात करता हूँ? का समझे था तो हमारे गुरु जी को? ऐसे कौन है सन्यासी के ब्रह्मचारी? अरे बप्पा रे बप्पा, औरत जैसे ऐसी थरथरी। देख इनसे कही दे, बहुत देखने हैं हम ऐसे विश्वामित्र। खबरदार औरत हो इसलिए। मुखिया जी उगाड़ फेंको इनके तंबू। देखा जाओ उगाड़ फेंको इनके तंबू। अम्बू पूजा करी थे उनको आज फेंक था उनका ही अपमान। अभी तो तंबू ही उठा रहे हैं, यहाँ से नहीं गयो तो सारे ताम धाम को आग लगवा देंगे, समझी? चलो गुरु जी चले। एक दिन यही खंजड़ी हाथ में थमाए के इसे हमरे नाच नौटंकी में न खड़ा करी तो हमरो नाम चंद्रकला नहीं। ये डोल धमाका का है? अरे माई हमारे गांव को ढाल मिली है। ढाल? हाँ हमारा गांव
सारे जिले में आदर्श माना गया है। आदर्श का मतलब शिक्षा के प्रचार में, गांव के सुधार में सबसे आगे। इसलिए तो सरकार ने ये ढाल दिए हमारे गांव को। सो तो है, बाकी ढाल गांव को काहे को दी? फिर वही बात, सुधार गांव वालों ने किया है ना। समझ गए, हमें और ना समझाओ। सुधार तो गुरुजी किए हैं, ये ढाल तो उनको मिलेगा चाहिए, गांव वालों को काहे। किधर है? राम राम। कहिए मालिक। राम राम। अरे तू सारी दुनिया की खबर रखता है, तो उसका क्या हुआ? किसका मालिक? अबे किसका क्या, वही जो नाचने वाली पतुरी आई थी, कहाँ गई वो? अजी वो जाएगी कहाँ, वो तो मुगल चराए का जंक्शन है। जंक्शन इधर से डेरा उखाड़ दिया तो क्या, उसने उधर गाड़ दिया नदी के उस पार। ये बात मालिक, वो कबूतरी है बड़ी लोटक। अरे तेरी माँ की आँख, हमको बताता है? मेरी क्या मजाल है मालिक। पंचो हम अंदर आए। आओ प्यारे आओ। कहाँ है, चुप पे राह नहीं चली जा? अरे हम कहाँ किया है? किसको देखे सिटी बजाई हो? अरे वाह, क्या आप गांव में सीटी बजाने पर भी पाबंदी है? तेरे मुंह से नहीं, अपने मुंह से बजाते हैं। तो यहाँ का बजावत हो, घर जाए के सीटी बजायो, अपन माँ बहन को सामने बिठाए के। अपने घर वाले पे जोर पे गुमान करती है, उसके हाथ पांव तोड़ के नजर दूं तो कहना। कबू रास्ता तो काट के देखो ही का। सर पहले तेरा ही रास्ता काट के दिखाता हूँ। देखो आगे बढ़ियो तो ठीक ना हुई, हट जाओ सामने से। नहीं चुंगी देखे जाओ। जगदेव क्या हो रहा है? गुरुजी तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा आपस का मामला है। जाने दो उसे। नहीं जाने दूंगा। जगदेव हट जाओ सामने से चुपचाप। नहीं हटता। मैं एक बार फिर कहता हूँ हट जाओ सामने से। तुम 10 बार भी कहो तो नहीं। क्या करोगे? क्या करूंगा? अरे पप्पा, अरे पप्पा, तोता के भाग खुल गए आज। चंद्रकला कहाँ है? सरकार कैसे कपड़ा धोवत है, देखे का है तमाशा? तमाशा? हाँ दिखाई थे को देखे ना, यही लिए चंपा बहनी की साड़ी हमरे सरकार अपन धोती के अंदर छुपाए के धोवत है। इतने नहीं सरकार के वो कमीज भी देखो, वही माँ बहने का जंपर न हो तो कहियो। अरे ये क्या हो रहा है, सबके सामने हमारा पोल क्यों खोल दिया? चल हट। देखो सरकार वो कौन आवत है? क्यों जी धुलाई भई गई? हाँ बिल्कुल निचड़ विचड़ की बिल्कुल तैयार। और जंपर वो तो ठीक से धोया ना? हाँ खूब मलमल के मसल मसल के। अरे खाली मलने मसलने से का फायदा? क्यों नहीं, साबुन की बड्डी तो मुँह रही तंबू माँ और धोवत यहाँ हो, साबुन बिना दाग कैसे छूटे? दाग कैसे छूटे? अरे इस नदी का पानी ऐसा है, कपड़ा तो क्या आदमी को भी खंगाल के निकाल लो एकदम साफ। हूँ क्या, उस पार गाँव में जो गुरु जी है ना, ये उनकी नदी है, पाप नाशक मैल नाशक पवित्र नदी। पारस काका, पारस काका कहाँ है गुरुजी? पारस काका घर में है? नहीं गुरुजी, वो तो कब के चले गए पाठशाला? वहाँ तो नहीं आए? नहीं, फिर कहाँ बैठी गए जाए के? कहाँ बाबा सारा सुतिया? अरे वो कह के गए पाठशाला जाए थे, पर ई कहा थे वहाँ पहुँचे ही नहीं। हाय दैया, यही तो हमारे घर वाले भी कह के गए रहे, लेकिन आज पाठशाला कोई नहीं आया। तब तो उनको ढूंढे का परी।
गुलाबिया कहाँ गया? गुलाबिया, अरे हो गुलाबिया, अरे हो गुलाबिया, गुलाबिया जल्दी करो, चंद्रकला को बुलाओ। चंद्रकला? हाँ चंद्रकला। अबे चंद्रकला, अरे हो चंद्रकला, चंद्रकला। कहाँ है रे? ये भी कोई पूछने की बात है? देख कैसे छिटू रहे ये लोग, इसलिए कोई गर्मा गर्म चीज फड़कती हुई। गर्मा गर्म फड़कती हुई? इन लोगों के सामने? हाँ हाँ। ना ना, पर क्यों ना? ये लोग हैं नारे ठंडे मन के बिचारे, इन्हें गर्म कजरी न भावे रे, इन्हें गर्म कजरी न भावे रे। ये बगला भगत है सारे, बड़े झूठे आदर्श की मारे, इन्हें सिंगार का रसन सुहावे रे। अच्छा तो फिर नाजुक सी कमर लचका के, चुनर लहरा के, सुनाई दे नौटंकी नखरे वाली, सुनाई दे नौटंकी नखरे वाली। जिसे सुन के दंग रह जावे, रंग वो छावे, याद भूले न कभी महफिल वाली, याद भूले न कभी महफिल वाली। हाय दुनिया, हम कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारी याद। कहाँ हुई गवाह? अरे हो 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 हो, कहाँ चली ये तूफान मेल, ऐसे झटके खाती कहाँ बाबा? कम जुल्मी ने हमें याद किया जो आवे ही चीकी, कम जुल्मी ने हमें याद किया जो आवे ही चीकी। जालिम रे जालिम याद भूलिए उसकी, जालिम रे जालिम याद भूलिए उसकी। कम जुल्मी ने हमें याद किया जो आवे ही चीकी। बदनाम बदनाम कम जुल्मी ने हमें याद किया जो आवे ही चीकी। Thank you.
कोई है? अरे कोई है? सजना अजीब सोना दिखाओ, तनिक मुस्कुराओ, पास तोरे बैठूंगी, पास तोरे बैठूंगी। राम राम गुरुजी, आज रास्ता कैसे भूल गए? भूला नहीं, जानबूझ के आया टेढ़े रास्ते से। हमारे खाते तो आवे बैठे? नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया। हाय दया, भीग के आए हैं, सर्दी लग जाए तभी रुके, हम आप आए थे। नहीं, पहले ये बता, हमारे लोग यहाँ आए थे? आपके? हाँ, हमारे गांव के। राम दुहाई, आपके लोग भला यहाँ कैसे ना आ सकते हैं? तो नाव नदी के इस किनारे कैसे आ गई? अब तोहार नाव ये किनारे कैसे ना आए लगी, हम का जाने, आ गई होगी। ओ हाँ गुरुजी, आपका आदर्श का भवा का, यही आपका आदर्श है? यही देखने तुम्हें आया। देखने? गुरुजी, जस रोटी का टुकड़ा दिखाए से कुत्ता दौरत आत है दुम हिलावत, वैसन तुम्हारे गांव के लोग हमारे पाछे लागे है, और फिर कहत है आदर्श गांव, आदर्श लोग। वाह गुरुजी, खूब है आदर्श आपका। देखो, हमारे गांव को बिगाड़ के क्या मिलेगा तुम्हें? बिगाड़ के का बिगाड़ा है हम? अब मैं क्या बताऊं, ये मेरा सारा जीवन उसी आदर्श के लिए। काहे गुरुजी काहे, आप नहीं जाने, उबलते पानी पे ढक्कन रखते हो तो वो भक से उड़ जाते है। ठहरो, जरा देखने दो मुझे, जरा एक तरफ। बहुत दर्द, बहुत दर्द। कहाँ लगी है, किस चक्कर? शायद किसी नस पे चोट लगी। चलिए अंदर ले चलिए। बहुत दर्द होता है। अब आप लोग मैं यार ये। अब बताओ कहाँ दर्द है, कहाँ पर? देखो, अब इस पैर को बिल्कुल न हिलाना, और कल इस पर कुछ पत्ते पीस के बांध देना जो दर्द खींच ले।
कौन से पत्ते? सिर्फ नाम बताने से क्या होगा? ऐसा करना, कल सवेरे मेरे यहाँ किसी को भेज देना। बाकी वो पत्ते लाना, पीसना, उनका लेप बनाना, फिर बांधना, का ये सब जंजाल हुई हमसे। तो ऐसा करना, नहीं तो मैं ही ऐसा करूंगा, मैं ही आ जाऊंगा कल। आप हमारे लिए? तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारा पैर ठीक करने। मतलब हमारे ही लिए? अजी बैत की तो मुझे अपने पुरखों से मिली, अपने खानदान से। भले कोई भी बीमार हो, चाहे दुश्मन भी, उसे दवा देना हमारा कर्तव्य है। चंद्रकला, क्या घुटना सचमुच दुखत है? गुरुजी, तमाशा क्या होता है? तमाशा? यह इस कविता में पढ़ने लिखने जब भी जाओ, देख तमाशा मत रुक जाओ। तमाशे का मतलब नौटंकी ना गुरुजी? नौटंकी? किसने बताया? वो घर में। बस बस बस, देखो तुम ऐसा करो, अपनी पुस्तक में से 10 पंक्तियां साफ साफ लिखो। राम राम। राम राम। मुझे तो लगता ही था। क्या? कि तुम आओगे। तो इसमें लगने की क्या बात है, मैं तो आने ही वाला था। वो कहाँ है? वो देखो वहां खड़ी है, एक पांव के सहारे। क्या है ये सब? मैंने कल कहा था ना कि पैर को बिल्कुल न हिलाना, और तुम यहाँ आके खड़ी हो गई। क्या करूं, कौनो कल चैन नहीं पड़त, तुम्हारा देखत खड़े हो। बड़ी सियानी हो, चलो पहले अंदर चलो। अरे लड़खड़ा के क्या दूसरा पैर भी तोड़ लेना है? गुरुजी, हमार एक मन कहत रहा। एक मन? क्या कहता था? कहत रहा तू काहे रात देखत है, वो नहीं आवेंगे। और दूसरा मन? वो बेचारा चुप रहा, कुछ नहीं कहत रहा। सच कहे गुरुजी, हमें नहीं लगत रहा कि आप आवेंगे। बाकी अब विश्वास हुई गवा कि भगवान को हमारी चिंता है। रात को नींद तो ठीक से आई ना? नींद कहाँ, रात भर आंख नहीं लगी। तभी तो मैंने कहा था कि हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। देखो सूजन कितनी बढ़ गई है। गुलाबिया, कहा बहनी?
पहले धीरे बजाओ, गुरु जी को ये अच्छा नहीं लगते। और फिर नहीं नहीं बजाने दो, रियाज चल रहा होगा ना तुम्हारा। अरे चंद्रकला, इसका मतलब क्या है समझाओ तो जरा। अरे हमसे का पूछत हो, हमें का पढ़ना आवत है का लिखना आवत है, अब गुरुजी से पूछ ले हो ना। गुरुजी देखो तो यार, संकुत्र में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, जरा खुल के समझा दो। अति पीना भेन वल्क लेना। हाँ गुरुजी, ये अति का पीना बिना तो हमारा रोज का चलन है, जरा इसका मोटा मोटा मतलब समझा दो। अच्छा, ये कालिदास का काव्य है, शाकुंतल नाटक का। शकुंतला सखी से कहती है, प्रियम वदाने कितनी दृढ़ बांधी ये कंचुकी मेरी, तनिक शिथिल कर इसका बंधन, घुटती श्वास सखीरी। अरे वाह वाह। इस पर प्रेमवदा कहती है, शकुंतले ये दोषन मेरा, कंचुकी भी निर्दोष है, पल पल क्षण क्षण बढ़ने वाले, इस तेरे यौवन का दोष है। कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ। कौन है ये शायर? शायर नहीं, महाकवि कालिदास, ये उनकी रचना है। तुम्हारी कालिदास तो बड़े रंगीले रसिया जान परत हैं। जैसे हमारे नौटंकी के मास्टर बुल्ला की दास, नत्था राम चौरसिया और मास्टर, हाँ मास्टर बजरंगी, बजरंगी हम तो यही नाम जानित हैं। पर कालिदास को रंगीला रसिया नहीं कहना चाहिए। अज काहे ना कहे। पर गुरुजी, अभी जो आपने सुना है वो तो अच्छा खासा नौटंकी का मसाला है। सुनिए ना, चोलिया की गांठ खुल गई, अंगिया के बन टूटे, जवनिया की रुत आ गई, अंबुआ पे आम फूटे। श्रृंगार रस के सुंदर काव्य का ऐसा बाजारी मतलब? गुरुजी, हम वो कछु कही, शब्द शब्द का भेद है, बात है मिलती जुलती। कहां कालिदास का महाकाव्य और कहां ये तुम्हारी छिचोरी कचरी। कालिदास के प्रणय काव्य में अध्यात्म का दर्शन है, उसमें आत्मज्ञान है। तो का हमारे कजरे कहरवा में अध्यात्म नहीं, आत्मज्ञान नहीं? तुम्हारे कजरी और कहरवा में अध्यात्म? अब जरा सुनी के देखो सरकार, अब बुलाओ सबको। हाँ हाँ, अरे आओ आओ इधर आओ सब। एक दिन जब रात है रानी, मनमोहन की दीवानी, ले ग्वालनियों के संग चली जमुना तट भरने पानी। जमुना तट भरने पानी चली रे देखो, झुमक झुमक राधे रानी, चली रे देखो झुमक झुमक राधे रानी। गागरिया जन्मेदारी के नहाने के तैयारी, तन के सब वस्त्र उतारे, जमुना के किनारे डारे। फिर आया माखन चोर, पहले देखा सब और, फिर सबकी आंख बचा के, गोपियन के चीर चुरा के, वो नट खटवा बनवारी, जा बैठा देखो ऊंचे कदंब की डारी। तो आवे नाज अब ना।
कान्हा कान्हा छुप छुप कर कान्हा रे कान्हा देखना रे क्या रूप जवनिया को देखना रे क्या रूप जवनिया को ये तो तुम्हारी ही देन फिर काहे चलिए खेले खेल रे ओ नट कट काना चुराई चोली तू मेरी रे काहे हमको तो आवे लाज अब लौटा दे रे ये चोली तो मेरी रे कान्हा कान्हा जोड़ दिए जब हाथ बंधन टूट गए रे सारे लाज के बंधन टूट गए रे सारे लाज के बंधन हम न रहे हम आज अब परमात्मा से कि मिल गई आत्मा रे हो नट खट कान्हा चुराई चोली चुनरी रे काहे हमको तो आवे लाज अब लौटा दे रे ये चोली चुनरी रे वाह अब बतावा यही मा तुम्हारा अध्यात्म आत्मज्ञान है कि नहीं हाँ भगवान कृष्ण की रास लीला के मधुर गीत सुनकर सारी भूख प्यास मिट जाती है सुनने वाले को अपनी भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती वाह अजी ये सब तो ठीक है बाकी के खाए पिए का तो कुछ करे क्यों क्या हुआ कल रात से कछु ना ही खाए खाए बिना कैसे ठीक हुई का खाए जी नहीं चाहत मुंह में स्वाद ही नहीं देखो ये ठीक है ऐसा करो इसे आंवले का झोल पिला अजी वो झूल उल का झंझट हम का जाने इसमें झंझट क्या है नहीं तो ऐसा करें मैं ही बना के ले आऊंगा हाँ ये बात भई ना बड़ी चंद है तू गुरुजी का बिल्कुल भूलोटन बनाए रही है बड़ा भोला मानस है गुरुजी कौन पार्वती हाँ क्या लाई कटहल का अचार अच्छा हाँ अब्बे तैयार भवा है तू कहीं मर्तबान खोलियो तो सबसे पहले गुरुजी को दे आयो अच्छा वार ये का गुरुजी इतने ढेर सारे आंवले का है जरा झोल बनाना है कोई बीमार है उसके लिए गुरुजी आता हूँ अभी आता हूँ पार्वती जी तुम जरा इस झोल को देख लेना हाँ हाँ हम सब देख लेंगे आ गए सब लोग हाँ आज हम ई की मात्रा लगाना सीखेंगे बैरो काका पढ़ो तो क्या लिखा है भा पर या की मात्रा हाँ और ई भा ई अब कोई ऐसा ही दूसरा शब्द सोचो मैं अभी आया झोल में नमक डाल दिया हाँ यही पूछने आया बराबर डाला है ना कुछ उल्टा सीधा तो नहीं गुरुजी आया आया गुरुजी भाई जैसा एक और शब्द मिल गया माई माई अब ऐसा ही कोई तीसरा शब्द
भाई। ठहरो ठहरो, देखो छाव घी का लगाना, जीरा लौंग काली मिर्च सब उधर है। अजी हमने सब ले लिया। आप इतनी चिंता का है? नहीं चिंता नहीं, यूं ही वैसे। गुरुजी कौन बीमार है? कोई पेट से है का जो खटास खाए का जी चाहत है? नहीं मैंने ऐसे ही मतलब यू बात। हाँ क्या है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा। गुरुजी झोल तैयार हुए गवा। हाँ। एक उबाल और आ जाए। हाँ। तो स्टोव बंद कर दे वही। अच्छा। हम अब जाई? हाँ हाँ तू जा, अब बाकी मैं देखता हूँ। सुनो आज ऐसा करते हैं, आज यहीं तक, कल ज्यादा देर बैठेंगे। गुरुजी आज रात पंचायत है ना? हाँ 9 बजे। तुम ऐसा करना, वहां कह देना सबसे, मुझे जरा देर हो जाएगी। काहे? कुछ नहीं, जरा एक बीमार को देखने जाना है। भूलना नहीं, कह जरूर देना, मुझे देर हो जाएगी। अरे जरा सुन तो, वह तेरा महादेव गांव में दिखाई नहीं दे, कहूँ बाहर गया है? हाँ, तो है का? कुछ नहीं, तू चला गया है तो दूध कौन दुहता है? तो है का है कि फिकिर? हमारी भैंस सूख गई है, दूध बांधना है रोज का, मिलेगा का? ये देखा था बड़ा आवाज दूध बांधने वाला लुच्चा बदमाश। सुनो सुनो तो कौन गुरुजी? हाय भैया, कैसा सपना था? सपना कैसा सपना? सपना चाहिए ना आप पूछे ना हम बताए। मतलब यानी ऐसा क्या है वो? ऐसा क्या? मुझे शर्म आवत है। शर्म और का नहीं आवे का? कुछ बात उधर हम आपको सपनामा देखत रहे, इधर आप खुद ही सामने आए गए। देखे ना कस मिलाप होएगा। पर वो सपना था क्या, क्या देखा उसमें बताई? तो आप उधर देखें, देखें ना। लेकिन किस लिए? जाओ मुंह उधर, नहीं तो हम। अच्छा अच्छा अब बताओ। हाँ तो सपना माँ हम नदी पर गए, नहाए धोए लिए, बाल खोल के पानी झटके, और फिर हम हाड़ मा जाएगी अपन घगरा चोली पहने लागे। कितने में पीछे से आएगी कुछ से तो पूछ लियो। किसने, कौन था? अभी और क्या हुई? मैं बाकी कुछ सपना असत है ना जान, सच नहीं छोड़ जाए तो। गुरुजी आप आंवला का झोल लाए हैं ना? आंख में आंसू? गुरुजी आप हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं, आप कितने अच्छे हैं, और हम ये क्या? लो पैर कैसा है आप? लेप उतार दिया क्या? अपनी थे
भाई तो गुरुजी का कौनो पता ना है, बाकी वो गए कहां? झोल पी लिया। दस बज गए, मुझे अब जाना चाहिए। काहे इतनी जल्दी काहे, बैठो ना। नहीं नहीं, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, जाना ही चाहिए। हम समझे, आज तो आप रुकेंगे, आप आए बैठे हमसे बातें की, मन को कितना अच्छा लागत रहा। मगर आज उधर एक पंचायत है। सजन मत जा रे। नहीं चंद्रकला, शब्दों और सुरों से मेरा रास्ता मत रोको। ऐसा न हो कि मैं मोह में पड़कर किसी पिंजरे में फंस जाऊं। पिंजरा? वो तो सोने का है। सोने का ही सही, पर है तो पिंजरा। अस तो गुरुजी हमें ही बतावे, पिंजरे से कौन बचा है? पिंजरा है तो सब कछु मानुष का घर का होता है। घर? हाँ, वो भी तो एक पिंजरे ही है। मानुष चाहे कहूं जाए, घर की लगन नहीं छूट, और ये लगन है तभी तो वो जिए का चाहत है। और वो जंगल में उड़े फिरे वाले पंछी, वो भी तो सांझ ढले आपन आपन घोंसला में लौटी आते। और गुरुजी वो भौरा, वो भी तो सूरज डूबे कमल के पिंजरा में अपने आप को बंद कर लेते हैं ना। गुरुजी एक बात और पूछी, आपका जी कहाँ है भला? मेरा जी? जी वो भी तो इस शरीर के पिंजरा में बंद है ना। ये पिंजरा है तो जी है, पिंजरा है तो सब कुछ। वाह चंद्रकला, क्या कहा तुमने। बहुत दिन हुए मैंने बिजली को गिरते हुए देखा था, तो उस लपकते सोने के कौंदे को देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गई थी। आज फिर मुझे वैसा ही लगा। कहां से मिला है तुम्हें यह ज्ञान? सच कही, आप सामने आए तो जनो सरस्वती बोल उठी। अजी वो जो तुम्हारा मुखिया है ना, वो आ रहा है। रोजा हो गया। घबराओ ना गुरुजी, हम आपको छुपाए देते हैं, अपन बिछौना में। बिछौने में? हाँ, हमारे बिछौना पर कौनो का सपना पड़े, तने को चिंता ना करें, सो जाओ, चुप पे सो जाओ। राम राम मुखिया जी। हाँ, जय राम जी। हमारे गुरुजी यहाँ आया है का? गुरुजी? का मुखिया जी, उनकी तलाश में आप यहाँ आए पहुंचे? आप गलत ठिकाने पे आए थे। नहीं, हमसे तो कौनो कहे हैं, वो इधर आए हैं। कहे वाले ने कहे दिया और सुने वाले ने सुन लिया। काहे जगदेव, हमें इसलिए यहाँ लाए हो कि सबके सामने हमार पगड़ी उछाली जाए। पापा, हमने अपनी आंखों से गुरुजी को यहाँ आते देखा है। काम काम लगता है। सच कहते पापा, भगवान कसम। देखी तो हार सच्चा है। महात्मा आदमी है महात्मा, और तू कीचड़ उछालता है उन पर,
कैसे कर हुई पाप का प्राश्चित का बने हो तो अगले जन्म में कौवा किधर तू इकार है तेरे जात पर चल बड़ा सियाना बनता है। गुरुजी मुखिया जी और वो सब गए हैं। गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? लोग गुरुजी का ढूंढे निकले हैं बाकी अब वहीं तक पता ही ना ही उनका। वो देख आवत है। सामने धरना धर के बैठी गए इको बात नहीं किए। अरे कैसे करते ऐसे देवता स्वरूप आदमी पे हम झूठा दोष जो लगावा। हाँ और दोष भी कैसा कि दिल पे चोट लगाई ही लगाई। हाँ मुखिया जी बहुत कीचड़ उछाला बड़ा नीचता का काम करा। हाँ गलती तो हो गई हमसे जो बिना सोचे समझे मुंह उठाई के चले गए वो नटनी के डेरे पे कितना जी जला होगा गुरु जी का। हाँ भैया बड़ी भूल हो गई हमसे। भूल नहीं अपराध। चलो हम सब माफी मांगे उनसे हाथ जोड़ के पांव भरी के। गुरुजी ए गुरुजी अब हमसे तो सच बोलो हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे फूटे मुंह से कुछ तो बोलो आप गए थे कि नहीं उस नटनी के डेरे? क्या ढोंग रचाए हैं अपना भांडा ना फूट जाए इसलिए आप मौन साध के बैठ गए। अरे वाह गुरुजी हम नहीं जानते थे कि आप ऐसे ढोंगी हैं। हाँ ये ढोंग तो आप ही को शोभा देता है हम जैसन को नहीं। हम तो पहले ही से बदनाम हैं। क्यों रे तू का करने आया है यहाँ का पूछता है इनसे? मैं कहता हूँ ये वहाँ गए थे और अब झूठ बोल रहे हैं। अरे बेशरम औरंग की नहीं अपनी तुलाज रख। पप्पा हमने अपनी आंखों से देखा है गुरुजी को उधर जाते। देखो गुरुजी आप भगवान के सामने बैठे हैं अगर आप सच्चे तो भगवान पर हाथ धर के कहिए कि नहीं गए थे नहीं तो हम कहते आप गए थे। का बकत है तू कैसा ईमानदार है हम जानते हैं। और ये कितनी ईमानदार है हम जानते हैं। यहाँ अपनी भलमन से ही कट हो और वहां एक पतुरिया की खुशामद। चुप है गुरुजी बदला न लिया तो कहना। अरे जा जा फिर कभी गुरुजी पर उंगली उठायो तो टांग तोड़ दे। गुरुजी गुरुजी हम गलत जगह आपको ढूंढने चले गए हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। आप बताएं हम ठहरे अनपढ़ गवार। गुरुजी हम गांव वालों को अपने संतान जानो और हमें माफ कर दो। गुरुजी गुरुजी सुनत हो गुरुजी
कौन है जो हमारा रास्ता काटते है? तोरी मैया। कौन? अरे पारो तू। अरे जा जा के अपने बहनी को छेड़। अरे वाह बहुत चहकत हो आज। चुप है अपना रास्ता पकड़ो नहीं तो ये बात। तुम यहाँ आई कैसे? आप है आप, पाँव यहाँ ले आए। पर तुम इस तरह भीग कैसे गई? नदी पार करी के आए है ना? तैर के? हाँ। लेकिन ये पागलपन तूने किया क्यों? किस लिए? आपके खातिर, गुरुजी आपके खातिर। मेरे खातिर? मेरे लिए? लेकिन क्यों? क्यों? गुरुजी क्यों? जी उधर पिंजरा इधर। जी शरीर के बिना कैसे रह सकता है? नहीं चंद्रकला, नहीं। नहीं, काहे नहीं? तू जिसके पास आई है, वो गुरुजी कब के मर चुके? गुरुजी? हाँ चंद्रकला, जिस रात वो तेरे आंचल के ओट में छुपे थे, वो उसी रात मर गए थे। मैं अब वो नहीं, और वो अब मैं नहीं। सब कुछ मिट चुका है। सब कुछ। अस काहे कहते हैं आप? गुरुजी, ए गुरुजी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे तू अंदर किसके साथ बात करता है हम जानते हैं। गुरुजी, अब सारा जग जान जाएगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। हम सारे गांव पे हाथ जुटाए देंगे। अरे कहां जाएगा तू अब बच के? हाय दया, पत्थर मार के सर फोड़ दियो, नापाक सब कुचल दियो। देखो तो
द्वागरे दुर्वेशी है खून खून गुरुजी का खून भर गया गुरुजी का खून भर गया गुरुजी का खून भर गया अब क्या करें लोग आएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कम से कम तुम तो भाग जाओ आपको ये हाल में छोड़ के नहीं नहीं हम न जाएंगे गुरुजी हमारी बात मानो खून किसका भगवा है पहचाना नहीं जाता अभी आप कहते रहे ना कि वो गुरुजी मरे गए तो अस करे यही को आपके कपड़े पहराए दे लोग समझे हैं आपे का खून भवा है हाँ आपे के कपड़े फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे और आपके पता में गुरुजी हमारे बात मानो कछु विचार ना करो बस हमारे बात मानो जाए अपन कपड़ा ले आवे ले आए ये पहनाए दे जरूर लगे हो ये गुप्ती हमारे बेटवा क्या है जगदेव की वो जाने कहां फरार होए गवा ऐसे देवता का खून कैसे कहूं जो है छोड़ो ना दरोगा जी हमारा बेटा है तो का पकड़ लाओ कौनो लिहाज न करे वाह मुखिया जी वाह मुखिया हो तो तुम जैसा तुम फिक्र ना करो मैं उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा गवाही हम दे भाई कि ये गुप्ती वही क्या है वे फांसी पे लटकवाए देगा चाहिए मुखिया जी माना कि ये गुप्ती जगदेव की है लेकिन यह वारदात यह खून जो हुआ है इसे एक ही पहलू से देखना मुनासिब नहीं हर तरह से गौर करना होगा हमें हर रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा इसकी तह तक पहुंचने के लिए पिंजरा तो पिंजरा पिंजरा तो पिंजरा पिंजरा तो पिंजरा पिंजरा तो पिंजरा सोने का या चांदी का हो हीरे मोतियों से जड़ा हो पिंजरा सो पिंजरा पिंजरा सो पिंजरा पिंजरा सो पिंजरा पिंजरा
थे मन में, उड़ते थे मस्त गगन में, पंछी मगन थे मन में, उड़ते थे मस्त गगन में, किस्मत ने खेल दिखाया, आके फंसे पिंजरे में, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। फूले, हरे मंदिर, आप कहाँ गए? गुरु जी, मुंह फेर के बैठ जाओ। हाय राम, अभी नहीं आपस। ठहरो, मैं कहता हूँ रुक जाओ, ठहरो। काहे आवंदा जी, क्या बात है? चलो, गाड़ियाँ एक किनारे, उधर, जल्दी, जल्दी। देखा नहीं, हमारे मंत्री जी की सवारी गई है, अब तुम लोग जा सकते हो। नहीं, नहीं कुछ पेट्रोल भर ले। यहाँ होटल है, कुछ चाय पानी कर रहे? जरूर जरूर, तो आइए उतरिए। आओ शुक्रिया। तनी देखो तो, कहाँ मिला था ये होटल मा? अरे छोकरे, कहाँ कहाँ माल है गरमा गरम? सब कुछ, पूरी, कचौरे, समोसे, दही बड़े, तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, छोटे बड़े सब आधे लकड़ी के। ये तूफान मेरे का छोड़ दी, हाँ सेर पीछे लगाए का? अरे तनी हौले हौले। अरे चंद्रकला, कहाँ ले वे? गुरु जी से पूछो। कहाँ गुरु, कहाँ ले पूरी कचौरी? नहीं, मुझे कुछ नहीं। तो फिर क्या, पकोड़े, समोसे, सेव? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये शायद तेल वेल की चीजें नहीं खाते हमारी तरह। ये बात है तो सुनो लाला जी, इनके लिए दूध भात और भूलना नहीं ऊपर से ढेर सारी चीनी। समझ गए ना, एक को छोड़ के बाकी सब के लिए पूरी कचौरी। वाले मिल जाए। इसमें खबर छुपी है। कौन खबर? ऐसा बोलो, लो पढ़ो। अजी हम का जाने पढ़ना वरना आप ही पढ़ी कहीं सुनाई देव ना, कहा लिखा है? आदर्शवादी अध्यापक की निर्मम हत्या, खून करने वाला फरार, माधोपुर 27 अक्टूबर। कल रात किसी ने लोकप्रिय गुरुजी श्री विद्याधर शर्मा का पत्थर से सर कुचलकर बेरहमी से खून कर दिया। पुलिस को लाश के पास एक गुप्ती मिली, कहा जाता है कि वो गुप्ती मुखिया के बेटे जगदेव की है। जगदेव लापता है, पुलिस को जगदेव पर शक है और वो उसे ढूंढ रही है। अजी तो बहुत ही अच्छा भवा, वैसन भवा ना जैसन हम कहे थे। गुरु जी आपके खून का चर्चा हुई गवा, ये तो औरो अच्छा भवा। अच्छा हुआ? नहीं का, अब आप काहे डरत हैं? देखो अब तो आपको एक नवा जन्म मिल गवा। सब लोग यही समझेंगे कि माधोपुर के गुरु जी मरी गए, तो आप हमारे नौटंकी के मास्टर। बहनी, ओ बहनी, अपन मास्टर जी कहेंगे, हमारे नौटंकी मास्टर। और मास्टर जी अब पिछली बातें इन सब भुलाए दे, वो गुरु जी मरी गए, मिटी गए, उनकी राख गंगा में बहा दी गई।
गाने गाते हो, आंखों में आंखें डाल के देखते हो, हाथों में हाथ देते, मुंह से मुंह लगा के छीना झपटी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बस रह दो, तुमका यही लिए हमरे संग आए हो कि हमें बेइज्जत करो हमरे मुंह पे तुमको? अरे अगर तोहो से ना ही देखा जाए तो कहूं और जाके मरो। मास्टर आए, मास्टर ए बिरजू, मास्टर जी कहाँ है? हैं? अब भी तो यहाँ सोवत रहे, कहाँ गए का बताए? मन का ये पंछी बोले बंधन रे कोई खोले, मन का ये पंछी बोले बंधन रे कोई खोले, पंखों में चोंच छुपाए रोए रे हौले हौले, पिंजरा सो पिंजरा पिंजरा सो पिंजरा। मास्टर ए मास्टर, गुस्सा है कवा हमरे ऊपर? नहीं, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, वो मेरी ही भूल थी, भूल हो गई थी मुझसे। अगर मैं उस खून की झंझट में ना पड़ता तो कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब मेरे पाँव दलदल में फंस गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं अब। बकीस बखत का भवा है जो इतना खौला था,
मास्टर, आए मास्टर। खबरदार जो मुझे छुआ तो हटाओ अपना हाथ, अपना लालची बेशरम बदचलन हाथ। बस हाथ ना, हम तो नहीं ना। कैसे नहीं, क्यों नहीं? तुम तो सिर्फ पैसे पे नाचने वाली औरतें हो, तुम्हारे पास किसी तरह की लाज न लज्जा, न मान न मर्यादा। ये सब है हमारे पास। तुम्हारे पास? हाँ, बेचना ही डारा उन्हें मास्टर। वो सब स्वांग हमें करे का परत है अपने पेट की खातिर। हाँ, वो सब दिखावा ही दिखावा है मास्टर। उमा कौनो तथ कौनो सच्चाई नहीं होत। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा पराए मर्द के हाथ में हाथ देते हुए। पर मन में ऐसी कौनो बात नहीं होत, और जब मन में ऐसी बात न हो तो किसी का हाथ लग जाए से का बिगड़त है। क्या बिगड़ता है मास्टर? भावना बिना हाथ का है लकड़ी का एक टुकड़ा मास्टर। हम ये सब नाटक न करी तो हमार नाच नौटंकी कौन देखें, हमरे ऊपर पैसा कौन निछावर करें। हरी हरी घास मर है के लिए सांप को भी तो हरा रंग धारण करे का परत है। अब बोलो ना। क्या बोल? तुम बोलने लगती हो तो मुझ जैसा उलझन में पड़ा हुआ आदमी कुछ नहीं कह पाता, मेरी जुबान बंद हो जाती है, इसलिए तू ही बोल, मैं सुनता हूँ। हम बोली सीधी साधी भाषा मा कि कविता मा? तुम जो बोलती हो वही कविता मालूम होने लगती है। कविता? हाँ कविता, और उसमें जो गहराई होती है वही सच्चा ज्ञान है, जीवन का आधार। हमू एक बात कही, तुम जब बोले लागत हो तो हमें अस लागत है। क्या लगता है? सजन मत जा जंगली सुवर, बहनी जंगली सुवर घुसावा हमारे टप्पू में, जंगली सुवर। जाने कहा बकत हो, ओ रहा तो हर जंगली सुवर। अजी ओ सोवत हो कि खराटा लेके रह चलावत हो? अरे जा, हम चाहे घोड़े बेच के सोए खराटे कभी नहीं लेते। वो जो मेरी पहली जोरू थी ना, वो मुझे हमेशा जगा के पूछती थी, अजय ओ तुम अगर सो ही रहे हो तो खराटे क्यों नहीं लेते? बस बस नहीं देव, बहुत ढोल ना पीटो अपन पहली जोरू का। अरे मौत आई है मेरी जो मैं तुम्हारे सामने उसका ढोल पीटूं, मैं तो अपना ही ढिंडोरा पीट रहा हूँ। जाओ जाओ सोए रहो चुपचाप और खराटे ना लियो। अरे बहनी चंद्रकला अब तक कहीं नहीं आई? गई है ना, अपन मास्टर को समझावे, राम जाने कैसी गोलमोल बात करत है। हाँ संभालियो बहनी, गोलमोल मा कहूं कछु गोलमाल न होई जाए। का होई जाए रे? नहीं नहीं मतबल, गुस्सा न करो मतबल, अगर हमरी चंद्रकला वो मास्टर का हाथ पकड़ी थी यहां से। अरे चुप मुए, चंद्रकला को पाल पोस के बड़ा किए न हम, नाच गाना सिखाए न हम, उही पर पैसा खर्च किए न हम। अब कोनो दूजे का हाथ पकड़ी के वही को जाए दे हम। ए अजी फुस काहे करत हो? अरे इसके हमारे खराटे अब फुस हो गए। मास्टर का बच्चा को हम तिकनी का नाच न नचाई तो कहियो। हाँ जरूर, तक दिना दिन तक दिना, उठते बैठते उसकी इज्जत न उतारी तो कहियो। वो भी सोची यहाँ काहे पड़ा है, देखत जाओ यहाँ से अज भगाई दे जैसे गधा के सर से सींग। अजीब फुसका, हमरो नाम चंपाकली है चंपाकली। गुलाबिया ए गुलाबिया, सड़क के बैठ बड़ा मुरद बना है,
इधर नहीं चला जा, जो यहाँ घुस फिर के बैठा है, जब तक भी खरी खरी बात न करी तोरे कान पे जू नहीं रेंगत है मास्टर। अरे कछु सुनाई देता है या नहीं? अरे सुनियो नहीं, आदमी है या बज्जर देरा? चल नीचे उतर खट्टू। हाँ उतरता हूँ, उतरता हूँ। सिर्फ बकवास करना जानत है। कुत्ते को ठोकर क्यों मारे? मार दी ऐसे, पर ठोकर मारने से वो जाएगा थोड़े। नौटंकी का कुत्ता है, कुछ भी करो पीछा नहीं छोड़ेगा। मास्टर ऐसी बातों का बुरा न माना, वैसा तो होता ही रहेगा। हाँ थोड़ी तमाकू दो। हाँ दाद में दबा लो, भेजा ठंडा हो जाएगा। लो लो, लो। रुके बिना चली गई? रुके बिना? अजी पूनम को तो अभी चार रोज है, कुछ यहाँ का भी पान फूल लेते जाओ। बहनी कौनो बहुत बड़ा रईस जान परत है। अजी ये हम शक्कर मिल वालों का गांव है, जरा हमारी मेहमानदारी भी देखकर जाओ। अजी देखना क्या है, गन्ना तो मीठा हो गई, पूर पूर चखने की क्या जरूरत है। और रुक जाए इन कारखाने वालों के यहाँ, ये तो वही बात हुई, गए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास। अरे चले थे खरगोश की शिकार को और मिल गया शेर, अब काम छोड़े और शेर हम पे छप्पट पर रहे तो। अरे ये इतना जोर देते हैं तो कैसे मना करें? अरे गाड़ी घुमाए लो। रात अंधियारी भड़के चिंगारी, रात अंधियारी भड़के चिंगारी, मेरे हाथ में जलती जवानी ढूंढ तुझे सैया, मेरे हाथ में जलती जवानी ढूंढने निकली तुझे सैया। तू है कहाँ, तू है कहाँ, हर तू है यहाँ। चंदा मोरा, चंदा मोरा।
मौसम का राम 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 दरोगा जी आज इधर कैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता खैरी मैं आपको मिलवाई देता हूँ आप है चंद्रकला राम राम साहब राम राम आज इधर कैसे धावा बोल दिया कुछ नहीं आपकी मंडली में जितने लोग हैं उन सब के नाम चाहिए और उंगलियों के निशान भी गिरजा शंकर कानपुर मैं 35 राम कानपुर एक बात पूछूं सर का क्या है हमरी उंगलियों का निशान काहे लिए है अरे तुम ढोले बड़े अच्छे बजाते हो ना हाँ हाँ इसीलिए सरकार ने सोचा है कि तुम्हारी उंगलियों के निशान ज़ी विलायत भेज दिए जाए क्यों मास्टर चलो भोजन परोस दिया गया चलो 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 अरे तलवा ए मास्टर तुझे कुछ अक्कल है या नहीं ये आसन दिखाई नहीं देत का ये ठाकुर साहब के लिए और ये चंद्रकला के लिए कुछ तो अपन औकात पेचा रो जात के नहीं करत है ठाकुराई जा जा बाहर जाके बैठ तेरे लिए टाट बिछाई दिया है वहां कैसा मानुस है ये आओ लड़कियों आओ आओ इधर बैठो आओ मास्टर बैठो हमारे साथ खाना खाओ शुरू कीजिए अरे मास्टर शुरू करो ना पेट भर खाओ बहुत दूर का सफर करना है Thank you.
देखो कस चकमक चकमक करत है। लाल जी पेशरा करी मास्टर का सिर फिर गवाह है तो हर अक्कल भी जाए हो हम पूछी तय ये सब काहे कियो बहनी। देखो मास्टर चुपचाप से भी तरह रहने का है तो रहो नहीं तो अपन रास्ता नापो तोहरे चले जाए से कोई शोक न मनाई यहाँ बेकार का झंझट। जब देखो मेरी हंसी उड़ाते हो मेरा अपमान करते हो मैं पूछता हूँ क्यों। मास्टर तुमने मुझे मारा मतलब अभी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और मुझे गुस्सा नहीं आता आए भी कैसे सारी आग बुझ चुकी है। बंद करो ये बकवास वरना। मास्टर इस तरह बाल नोचने से फायदा अब छुटकारा नहीं मिल सकता अब हम फंस गए किसी पालतू पंछी की तरह कहाँ जाएंगे इस पिंजरे से निकलकर अपने भाई बहन हमें नोच नोच कर मार डालेंगे। मास्टर एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा था एक भला आदमी धन दौलत बीवी बच्चे सब कुछ था एक दिन ही चंपा कली से मुठभेड़ हो गई फिर क्या था सब कुछ बिखर गया और मैं एक भान बन गया इस नौटंकी का क्या कहूं मास्टर अब तो मैं उसकी साड़ी चोली भी धोता हूं पर मुझे कुछ महसूस नहीं होता दिल ही बुझ गया है अंदर से बिल्कुल मर चुका हूं इसलिए तो मैं सिर्फ हंसता हूं अपने किए पर सच कहूं मास्टर तुम जब पहली बार हमारे डेरे पर आए तो मुझे लगा कि हमारी नौटंकी में एक और नया भांड आ गया फिर हुआ भी वही मास्टर इस बीमारी की एक बड़ी अच्छी दवा है बिल्कुल अक्सर जालिमी राज दिमाग की सारी गर्मी बाहर ना कोई धर्म रहता है ना ईमान आदमी एकदम दुनिया के ऊपर स्वर्गीय गुरुजी श्री विद्याधर शर्मा की याद में उस आदर्श शिक्षक की याद में जिन्होंने आपके गांव की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया आपने ये मूर्ति जो स्थापित की है उनकी याद में इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मुझे विश्वास है कि गुरुजी की ये मूर्ति आप सब गांव वालों को प्रेरणा देती रहेगी और सही मार्ग दिखाती रहेगी अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ इनके आगे अपना शीश झुकाकर गई का कर डारे ना गुरुजी कैसे होए गवाई पाप हमसे गुरुजी आके हो तो मान दे कैसे होए गए कहीं का खून कर डारा गुरुजी हम आपके चरण में बैठ के ज्ञान सीखत रहे और हम आप का सर कुचल डारा पत्थर मार के गुरुजी हमें माफ कर दो गुरुजी आज ये पाप हम धोए देते हैं आपन खून से आपके चरण में गुरुजी गुरुजी हमें माफ कर दो हमें माफ कर दो गुरुजी 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 गुरुजी
कैसा भला आदमी शराब पिए लगे, तू का बोलेंगे? तुम पहले का थे और अब का हो गए? पहले गुरुजी था, अब नौटंकी मास्टर। मुझे बस अब तू चाहिए, तू तू मोह का फूल जिसकी सुगंध से मैं मस्त हो गया। तेरे लिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर रहा था? सब जाग जाएंगे, छोड़ो हमें। कह कर तो क्या कहेंगे सब लोग, छोड़ो हमें। तेरे होते हुए मुझे किसी की परवाह नहीं, जान की न जहान की, जो जी चाहेगा करो। बड़ा आया जो जी चाहे करे वाला, का उधम मचा रखा है? चल बहनी, तू चुप रहो। मुफत की रोटी खाए खाए के जानो बहुत चर्बी चढ़ गई है। तो हे कोहलू का बैल न बनाई दई तो कहियो, ऐसे चर्बी न उतरी। देख चंदनपुर का मेला मा बहुत भीड़ होएगी हमार नौटंकी देखन वालन की, तो टिकट तू ही बेचो बैठ के। कुछ तो हमरे काम आए तुहार विद्या। और हाँ देख, बाकी सब लोगन का अपन अपन काम हुए तो इश्तहार भी तू ही बांटो, समझे? मेहरबान कद्रदान, सुनिए सुनिए सुनिए, आज रात को ठीक 9 बजे पंचरंगी मैदान में शानदार पूर्वाहार नाचगानों का खेल, चांद नजर वाली चंद्रकला की खूबसूरती का असंभव। आओगे तो मजा पाओगे, रह जाओगे तो पत्ता होगे, जल्दी टिकट खरीदिए। ए मास्टर, अपना तो गला बैठ गया चीख चीख के, अब तुम चिल्ला। मैं चिल्ला? मेहरबान कदरदान, आइए आइए, बेहतरीन पूर्वाहार नाच गानों की नई नौटंकी, चांद नगर वाले चंद्रकला के खूबसूरती का एटम बम। आओगे तो मजा पाओगे, रह जाओगे तो पछताओगे। टिकट बाबू, रेट क्या है? 2 रुपए सबके लिए, 2 रुपए और भाई जी का रेट क्या है? तेरी चंद्रकला का खेल का नहीं, 1000 रुपए का है वो क्या? ठीक है, अरे पीना पी कोई आता है ना टंकी ना देखने। ये तो बताइए टिकट बाबू, माल पक्का है या गद्दा? यार बताता हूँ। अबे मारता है, किसको मारता है? अजय ये तो पागल है, इसकी बात का ख्याल मत करो। देखो मास्टर, ये हमारी माए बाप इनसे तकरार करत हो। क्या पिद्दी का शर्मा, एक पारी खून नहीं होगा बदन में, हड्डी पसली एक करके रख लूंगा बटुए में। साले हम हाथ जोड़ी तोरे पाव पड़ी माए बाप, बच्चे से भूल हो गई। छोड़े इसे, आप जाके अंदर बैठे, आप चाहे तो टिकट विकेट भी ना खरीदे। चलो चलो। क्यों नहीं, तू यहाँ भागती काहे आई, कौन सी आफत आ गई है? अरे ले जा इन्हें बिठा अंदर। हाय दया, इनका सर तो नहीं फूट गया? अब हमारे सर फूटे की नौबत आ गई है। सुन, सारी पब्लिक शोर मचा रही है, जा जा वापस जा जा। ए भैया, तू यहाँ बैठ के टिकट बेच। अरे भाई, अरे ये खंजरी, अरे खंजरी बचाए के लिए ऐसी कौन सी अक्ल चाहिए? ए मास्टर, चल हमारे साथ चल। ले पकड़िए खंजरी, चल। नहीं नहीं, हम तोरे हाथ खंजरी न रहने देब। घुंघरों की झनकार सुनने वाले, अब टूटे दिल के तार की भी झनकार सुना। महफिल की
मुस्कानों में झूमने वालों मेरे असुबन से भीगी आज पुकार सुनो मेरे दिल की जली है आज होली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली मेरे दिल की जली है आज होली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली मेरे दिल की जली है आज होली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली गंगा जैसा निर्मल निश्चल सुखी एक गांव था सुखी एक गांव था राव रंग दोनों बराबर नहीं भेदभाव था नहीं भेदभाव था उसके गुण गौरवों से दुनिया डोली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली दिल की जली है आज होली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली ऐसे गांव में एक भोला भला कुलवंत था भला कुलवंत था सदाचारी सेवा भावी मन का साधु संत था मन का साधु संत था उस पे एक मेनका ने पापी दृष्टि खोली कैसे किस्मत ने की है ये ठिठोली नदी पार उस नागन ने जाल बिछाया जाल बिछाया नाच गान से लोगों को दीवाना बनाया दीवाना बनाया फंस गई जाल में उसके जनता भोली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली मांगने जवाब गया वो चली नर्तकी ने चाल चली नर्तकी ने चाल श्रृंगार की आंधी में फंसा पंच बेहाल फंसा पंच बेहाल काटे पंख चलाई ऐसे गोली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली मेरे दिल की जली है आज गोली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली हुई भंग उसकी तपस्या कहीं का रहा ना वो कहीं का रहा ना वो अधपतन की सीमा थी हुआ भ्रष्ट ऐसा वो हुआ भ्रष्ट ऐसा वो उसकी कुत्तों के जैसी हालत होली कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली कैसे बोलू कलेजा अपने ही कर्मों से ये दुर्दशा बनाई दुर्दशा बनाई अपने ही हाथों अपनी चिता है रचाई चिता है रचाई आज
अर्थी बनी है मेरी डोली आज, अर्थी बनी है मेरी डोली, कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली, कैसी किस्मत ने की है ये ठिठोली। कहाँ जाता हूँ? मरघट को जा रहा हूँ जान देने, आत्महत्या करने। तुझे क्या, हट जा सामने से। नहीं, मत कहो मास्टर। क्यों, क्यों न कहूँ? मेरे हाथ में खंजरी दे के मुझे नौटंकी में ढकेल दिया, तेरी जीत हुई मैं हार गया। तूने अपनी बात सच्ची कर दिखाई, जा जा। आप चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दे मास्टर हार गया, तू जीत गई। नहीं मास्टर, नहीं, जीत नहीं, हार है हमारी। तो अभी तेरा नाटक खत्म नहीं हुआ, अभी तेरे दिल की आग नहीं बुझी, अब और कितना गिराना चाहती है तू मुझे? नहीं मास्टर, ऐसा न कहो। वो चंद्रकला तू कब की मर गई? वो चंद्रकला ही नहीं, तोरे बातें जहर हैं, तीर हैं। ऐसे तड़पाए से तो अच्छा है कि हमरे पेट पे कोड़ा बरसाओ, खाल खींच ले वो हमारा। चंद्रकला, सच मास्टर, ये का हुई गवास, ये का हुई गवा हमरे हाथ। तो हर जस नेक आदमी को दुनिया से छीन लिए, ये पाप का निवारण हम कैसे कर पाए? नहीं मास्टर, नहीं, हम जन्म भर तुहार सेवा करब, तुहार दासी बने के हम सारा पाप धोए डालब, हमको अपने चरणन मा शरण देव। अरे भैया, ये का देखे थे हम? अरे देखो देखो, कहीं के पाँव पकड़े बैठी है, और ये कुलछनी ये का करत है? अरे देखो का हो, ये बोरही इस मर्दों का हाथ पकड़ी के चली गई, तो तुम लोग अपन पेट कैसे भरियो माटी भाग के? अरे मारो मारो ये मास्टर के बच्चा को। तो हमसे बुरा कोई ना हुई, तू बड़ी बहन है तो देखा जाए। अरे इतना बढ़ गई तू, क्या बड़ी बहन भी कोनो गिनती में नहीं? हम पूछी तो है किसका दिया खात रही तू अब तक? अरे जा, मुफ्त का नहीं खाए, उल्टे तू ही हमार खायो है। हम नाच नाच के अपन दुपट्टा से खून पसीना निचोड़े है, तब दो रोटी मिली है तुम लोगन को। बड़े पर निकल आए है तेरे, ऐसा ही गुमान है तो उतार दे हमार सब गहने। गहने हम थूकित है इस गहने पर। ये ले अपने गहने, बड़ा गुमान है। अरे ये माटी का माधव का कमाई के खिलाए तो है। हमार फिक्र तुम न करो,
हम झोली फैलाए के तोरे दरवाजे भीख मांगे ना आए। भगवान हाथ पाव देन है, चार भले घर का चौका बर्तन करे के आपन पेट ना ही भर सके थे क्या? बस बस, जब ही नशा उतर जावेगा तब अक्कल ठेकाने आवेगी। चलो चलो, भीख मांगे कि बर्तन मांजे हमरे ठेंगे से। चलो चलो। कहाँ जाएंगे चंद्रकला? कौनो जगह, कहूँ दूर, जहाँ हम दोनों अपन एक सुख संसार बसाए सके। पकड़ो इस मास्टर को और डाल दो हथकड़ी। क्या अपराध है इनका? वारंट है इसके खिलाफ। वारंट मेरे खिलाफ? हाँ, खून का इल्जाम है तुम पर। जिस गुप्ती से माधोपुर के गुरुजी श्री विद्याधर का खून किया गया उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा कौनो जुर्म नहीं की। भाई तुम एक तरफ। नहीं, हम नहीं ले जाए देवी ने। चुपचाप हट जाओ एक तरफ। नहीं नहीं, ले चलो इसे। ना ले जाओ इन्हें, खूनी नहीं, नहीं ना ले जाओ इन्हें, खूनी नहीं, नहीं नहीं खूनी नहीं, हम आज चोरी थे माय बाप, माय बाप ये खूनी नहीं, हम आज चोरी थे। अजब बात है, अभी तक पुलिस की मोटर नहीं आई। आई 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 मुखिया जी, अच्छा हुआ गुरुजी के हत्यारा पकड़ा गो। नहीं अपन जग दियो अभी तक काहे फरार हुई गो। और का करत नाम न ले वही का हमारे सामने। ये का कहत है मुखिया जी? अरे जौन सच है हम वही कहते हैं। ये सब जगरे की कारस्तानी है। ये तो तू ही बताओ उसकी गुप्ती लाश के पास कैसे मिली? वो गुरुजी से बैर रखा था, खून वही ने कराया होगा, खून को अपन गुप्ती दाई के। हाँ जान तो ऐसे पड़त है। अरे हमार बेटा कैसा है हमका जानित नहीं, ये सब मिली भगत का काम है। चलो 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 चलो। पहले ये बताओ क्या यही है गुरु जी का खूनी? अरे ऐसे धर्मात्मा का खून करी कि तू कहां पायो? उतर उतर नीचे। मुखिया जी आप चिंता न करें, उतर बदमाश उतर नीचे, हम यही को गुरु जी की पाठशाला दिखाई दे। चल देख, ये देख गुरु जी का घर और उनकी पाठशाला हम कैसा संभाल कर रखा है। गुरु जी सिधार गए तो दरवाजे पे ताला नहीं डाले ना हम। झाड़ पोछ दिया बत्ती आज ही पहले कितने खोद है। पानी में डुबो देती जो उसे। और वो देख उधार गांव का ही नाम। आदर्श को जो ठुकराए उसे गांव नहीं कहते। वो देख वो महापुरुष की मूरत। देख देख हम गांव वालों ने किस भक्ति भाव से गुरु जी की ये मूरत यहाँ स्थापित की है। जो आदर्श गुरु जी ने हमें सिखाए उनकी याद का। अरे पापी चांडाल अब हाथ जोड़कर ये क्या करत है? देख देख ऐसे पुरुष का तूने खून करके सारे गांव का कलेजा फिर दियो है। उनके चेहरे से कुत्ते भी रोते रहे, जानो अपने ही घर का कोनो प्राणी मर गवा हो। 13 रोज तक सारा गांव शोक मनावत रहा, पूरे 1 साल तक कोनो त्योहार नहीं मनावा गवा। गुरु जी जान से बढ़कर थे हम गाँव वालन के लिए। महादेव तो अपन प्राण तक दे इस मूरत के सामने सर पटक पटक के। ऐसे आदर्श आदमी का खून करने से पहले तू क्यों नहीं मर गवा? ठहर जा, तोरा भी गला काट दे थे। ई मूरत की बुनियाद तोहार खून से सी दे थे। ठहर जा। पुलिस ले चलो इसे। नहीं नहीं हम ये कैसा नहीं जान देंगे। इस पापी को गधे पे बिठा के सारे गांव में घुमाई गई है। नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मुखिया जी नहीं, ये खूने का सवारी गधा में निकलेगा। आमे का पत्थर से मार के सब मोड़ दे। नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। दरोगा जी गांव वाले बहुत भड़क उठे हैं, हमारे एक लसुन आप और दूसरी पुलिस वाले क्या कर सकते हैं। लेकिन मुखिया जी उन्हें को अदालत में जिंदा तो हाजिर करे कहे ना तो जैसन वे चाहिए वैसन हो दे।
दूसरा कौन उपाय नहीं ठीक है लिखा है चंद्रकला भोगना ही होगा पर तोरे भाग में कैसे आएगा चंद्रकला विधि का लिखा को मेटन हारा मेरी किस्मत ही ऐसी है तो तू क्या कर सकती है नहीं मास्टर नहीं जब तुम खुद नहीं कियो तो हम तो है जेल न जाए दे गुरुजी के खून की गुरुजी को सजा नहीं नहीं हम चिल्लाए चिल्लाए कि सारी दुनिया से कहते नहीं नहीं चंद्रकला इसका समय अब बीत चुका है अब कुछ नहीं हो सकता देखो मुहूर्त देखिए वो मुहूर्त किसकी है मालूम है तुझे मेरी इस गांव के लोगों ने बड़ी श्रद्धा से स्थापित किया है इसे और एक ने तो इसकी नींव को अपने खून से सींचा है अगर उन लोगों को मालूम हो जाए कि मैं ही वो आदमी हूं जिसकी ये मूर्ति है तो उनकी श्रद्धा का क्या होगा वो इस मूर्ति पर कालिक पोत देंगे इस पर हथौड़े बरसाएंगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे इसके दुनिया की हर अच्छाई हर भलाई पर से उनका विश्वास उठ जाएगा संसार के सारे आदर्श नष्ट हो जाएंगे चंद्रकला व्यक्ति भले ही मर जाए लेकिन समाज के आदर्श जिंदा रहने चाहिए अरे जिन लोगों ने ये मूर्ति खड़ी की है अगर वही मुझ पर थूकने लगे मुझ पर धिक्कार भेजे मुझे बदकार समझे तो क्या तुझे अच्छा लगे नहीं नहीं पर तुम का कहा था हमारी समझ में नहीं आवत हम तो बस एक के बाद जानित है कि तोहर छुटकारा होए का चाहे तोहे जिंदा रहे का चाहे जैसन लोग भगवान के शरण में जात हैं वैसन हम नंगे पांव बहुत दूर से तोहरे पीछे भागत आए हैं अब तोहर बिना कौन है हमारा कहा जाए हम मास्टर तुम हमें ऐसन मझधार में छोड़ के चले जाए हो नहीं नहीं हम पुकार पुकार के सारी दुनिया को जताए दे कि तुम निर्दोष हो तुम हत्यारा नहीं नहीं चंद्रकला तुम्हें मेरी सौगंध सौगंध पर अदालत में सच सच बतायो मास्टर सच सच बतायो अदालत में सच सच बतायो मास्टर आज फैसला सुनाए का दिन है हाँ, उसे कम उम्र कहे तो जरूर अरे उम्र कहीं काम उसे तो फांसी मिले क्या फांसी और अरे देख लावत है वही को हे राजा माता उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ फैसला सुनने से पहले तुम्हें कुछ कहना है हुँ?
यही कि एक न सुनाऊ एक न सुनाऊ, ऐसे आदमी को तो फांसी हो चाहिए। फांसी, फांसी। इनको फांसी ना दे, इनको फांसी ना दे, गंगा जल के समान पवित्र है, खून नहीं, जय का खून भरा है वो। अजीब बात है, इसकी आवाज को क्या हुआ? बोलते बोलते इसकी वाचा चली गई। पुलिस, तुम्हें कुछ कहना है? मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। इन लोगों की जिस पर इतनी श्रद्धा थी, मैंने उस महापुरुष का, एक महान आदर्श का खून किया है। मैं अपराधी हूं, मुझ पर जरा भी दया न की जाए, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चल जाओ उधर। मुलजिम मुरलीधर वल्द गिरजा शंकर कानपुरी, तुम पे ताजराते हिंद की दफा 302 के तहत श्री विद्याधर गुरुजी का खून करने का जुर्म साबित हुआ, इसलिए तुम्हें फांसी पे लटकाए जाने का हुक्म दिया जाता है ता वक्ते मौत। इनसे दो शब्द कह सकता हूं? अच्छा, जरूर। चंद्रकला, दुखी न होना चंद्रकला, तुम जो अपनी आवाज खो बैठी हो, भगवान का संकेत है कि मैं जी कर मरने के बजाय मर के जीऊं। चंद्रकला, 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 मुझसे पहले तू ही चली गई। जो ही तुझे मालूम हुआ कि मेरा नया ठिकाना क्या है, तू मुझसे पहले ही वहां जा पहुंची। मेरी राह देख रही है ना, मैं आता हूं चंद्रकला। सुख का अनोखा समारोह, अनोखा समारोह।